हम बात कर रहे हैं डेटा को लुकअप करने की, राइट सर। तो हमारे पास एक एग्जांपल है कि मेरे पास एक डेटा है, यहाँ मैं इसका नाम डेटा दे देता हूँ। डेटा है जिसमें डेट है, पार्टी है और पूरा सेल अमाउंट वगैरह डिफरेंस है। मुझे सेम डेटा उठा के C2 पे शो करना है, लेकिन मैं चाहता हूँ बिटवीन की फ्रॉम एंड टू, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ पार्टी। मैं चाहता हूं कि भाई डेटा मुझे मेरे पास आना चाहिए 1 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल के बीच में, और पार्टी का नाम मैं कोई भी एक पार्टी का नाम दे सकता हूँ। एक ही पार्टी है लेकिन अलग अलग पार्टी हो सकता है इसमें। पार्टी एक काम करता हूँ, बदल देता हूँ। हाँ, इसमें कई सारे पार्टी है, तो मैं जो पार्टी यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया पूजा, तो मुझे पूजा का आना चाहिए। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, आखिर होगा कैसे। तो हमने क्या किया कि एक कॉलन यहाँ इंसर्ट किया, और यहाँ पे हमने आईडी, तो यहाँ पे आईडी हम जनरेट करेंगे C2 के अकॉर्डिंग। हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला कि इफ अगर ए जो है ग्रेटर देन इक्वल टू द स्टार्ट डेट, यहाँ जो डला हुआ है, और इसमें तीन कंडीशन है, तो तीनों में मैं यहाँ पे एंड लगा देता हूँ कि एंड। फिर हमने वापस गए और बोला कि वापस ये जो हमारा B2 इज लेस देन इक्वल टू होना चाहिए एंड डेट, और ए इक्वल टू होना चाहिए, हमने दे दिया पार्टी, जो हमारा पार्टी नेम है, ए पार्टी नेम होना चाहिए। अगर ऐसा मैच करता है तो क्या करे, मैक्स का फॉर्मा ले, मैक्स, और हमने मैक्स में बोला A1 से A1 +1, अदरवाइज ब्लैंक कर दो। अब इस A1 को हम F4 से फ्रीज कर देते हैं, और नीचे ड्रैग करने से पहले हम जो हमारा C2 है उसकी जो रेफरेंसेज है उसको मैं यहाँ पे फ्रीज हमें करना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। हमने इसको फ्रीज कर दिया। अब हमने इसको नीचे की तरफ ड्रैग किया, तो जहां जहां कंडीशन मैच कर रहा है उसी में सीक्वेंस नंबर जनरेट हुआ है। यहाँ देख लीजिए, सीक्वेंस नंबर जो जनरेट हुआ है वही पे जनरेट हुआ है जहां पे मैच कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज और करता हूं, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ काउंट काउंट्स इफ्स की, काउंट इफ्स। हम क्राइटेरिया 1 बाय 1 देते जा रहे हैं कि ए जो है यहाँ पे हमने बोला इज ग्रेटर देन इक्वल टू और n% स्टार्ट डेट। फिर वापस हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला कि ए होना चाहिए लेस देन इक्वल टू एंड डेट en। ये बाद में इसको रेफरेंस से चेंज कर दूंगा मैं, और ये पार्टी इज इक्वल टू p। अभी फॉर्मूला एरर आएगा। तो यहाँ जहाँ ST है यहाँ पे मैं स्टार्ट डेट ले लेता हूँ, और जहाँ EN है यहाँ पे कॉमा P होना, जहाँ EN है वहाँ पे मैं दे देता हूँ एंड डेट, और जहाँ हमारा P है SP की जगह पे देता हूँ पूजा। ये बार बार नेविगेट ना करना पड़े, ऐसा ऐसा किया तो 6 आया। अब मैं यहाँ पे मैनुअल 1 दूंगा, और यहाँ पे दूंगा कि इफ इसमें +1 करने पे अगर ग्रेटर देन 6 होता है तो ब्लैंक कर दो, अदरवाइज इसमें +1 करो। और इसमें हम फ्रीज कर देते हैं C4 का, और एरर आने के भी चांसेस हैं, तो वी यूज द इफ एरर, और यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट करके ब्लैंक कर देते हैं।
और इसको अपने अंदाज से 10, 20, 50 कर देते हैं तो यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपल हम वी लुकअप लगाएंगे इस नंबर से, क्योंकि यहाँ पे नंबर जनरेट इसी के अकॉर्डिंग होगा, यूनिक आईडी इसी के अकॉर्डिंग जनरेट होगा, माने कि जो हम कंडीशन डालेंगे वो कंडीशन मैच करके ही आईडी जनरेट होगा। फिर कॉमा मैच B6 कॉमा 0 कॉमा 0, ये हमने मैच वी लुकअप और मैच लगा दिया। अब आगे ड्रैग करने से पहले हम इसमें फ्रीजिंग पॉइंट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसमें एरर आने के चांसेस हैं तो मैं यहां पे इफ एरर दे देता हूं। अब इसमें ब्लैंक को भी ले लिया इसने, ब्लैंक को, क्योंकि ये जो ब्लैंक है ना इसको भी रीड कर रहा है सर, इसलिए ऐसा आया, क्योंकि ब्लैंक ब्लैंक मैच कर रहा है। तो यहां पे हम कंडीशन दे सकते हैं कि इफ इफ दैट इज इक्वल टू, या हाँ, या फिर हम ब्लैंक ना करें, यहां जो ब्लैंक आ रहा है उसके जगह पे जो ब्लैंक आ रहा है इसके जगह पे मैं फॉल्स कर देता हूँ, तो आपका नहीं दिखेगा। फिर अब इसको ड्रैग कीजिए, नहीं दिखेगा। तो तुम्हें यहाँ पे आप कर ले या वहां हटा दे। अब पूजा यहाँ पे जो भी हम नाम डालेंगे वो आ जाएगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ओम डालता हूँ तो इस डेट के बीच का ओम का डेट आ गया। मैं यहाँ पे रवि डालता हूँ तो रवि का डेट, रवि नहीं है इसमें, मैं ओमनी है, नीरज है, नीरज का डेटा डालूंगा तो नीरज का डेटा आ जाएगा। और बिटवीन डेट्स अगर मैं यहाँ पे 8 अप्रैल डालूं तो 8 से 14 अप्रैल का डेटा आ जाएगा। समझ में आया सर? तो जी इस सर, तरह से भी आप अपना लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपके अभी जो इसने रीड किया जो जहाँ ब्लैंक था, ऐसे ही मैंने कल आपको एक फाइल भेजी थी, मेरा भी वो रीड कर रहा है उसमें इस कंडीशन के अंदर। हम्म,